बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके पास के डिटरमाइन दी, एक मिनट में रिकॉर्डिंग स्टार्ट। डिटरमाइन द इंटरनल मूवमेंट एट द सपोर्ट्स ऑफ द बीम्स शोन इन द फिगर। द रोलर सपोर्ट एट सी इज पुश डाउनवर्ड 0.1 फीट बाय द फोर्स पी। टेक ई इज इक्वल टू दैट एंड आई इज इक्वल टू दैट। सही है ना? तो अब कह रहे कि आपके पास इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरनल मूवमेंट्स का कहा है, क्या आप सिर्फ इंटरनल मूवमेंट्स निकालें। सही है ना? यानी आपके पास एम ए बी एम बी एम बी सी वगैरह वो निकालने की जरूरत है, आपको रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। तो जितना क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो उतनी आप जवाब दिया करें, उससे ज़्यादा आप कोशिश करें कि ना दें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ उन्होंने डाली कि जो आपके पास सपोर्ट सी है इस पुश डाउनवर्ड 0.1 फीट बाई द फोर्स पी, कि ये वाला जो सपोर्ट है ये जो ना आपके पास नीचे डाउनवर्ड पुश हो गया 0.1 फीट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये सेटल हो गया। सही है ना? सेटलमेंट या इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जब भी आपके पास सपोर्ट जो ना वो कर जाए, क्या कहते हैं, मूवमेंट करे, जब भी सपोर्ट मूवमेंट करे, तो फिर आपके पास ये वाला जो फैक्टर है ना ये एक्टिवेट हो जाता है। इससे पहले हमारे हमने जो ये वाली वैल्यू क्या ली थी, वो जीरो ली थी। सही ना? क्योंकि आपके पास ना सेटलमेंट हुई थी ना कोई सपोर्ट की मूवमेंट हुई होती थी। अब चूंकि उसने कहा कि जो सी सपोर्ट है ये 0.1 फीट डाउनवर्ड मूव हुआ है, तो इसलिए आपके पास ये वाला फैक्टर एक्टिवेट हो रहा है, तो हम ये भी कैलकुलेट करेंगे। आई सबको समझ इस बात की? एसी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है सर। जी, मतलब ये उल्टा लगा हुआ, सही ना, ऊपर की तरफ से लगा हुआ। सही है ना? जरूरी नहीं है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ये अगर बेसमेंट की बात होती है तो बेसमेंट में तो आपके पास मिट्टी ऊपर से लगी होती है ना, अगर बेसमेंट की छत की बात करें हम। सही है ना? फॉर एग्जाम्पल ये छत है तो ये आपके पास यहाँ से फिक्स है, ये बीच में दीवार है, ये ऊपर से दीवार। सही है ना? तो आपके पास ये जो है ना, क्या कहते हैं, क्या ऊपर से रूलर बन गया ना, तो आपके पास जरूरी नहीं है कि डाउनवर्ड ही हमेशा रोलर होगा, ऊपर की तरफ से भी रोलर बन जाता है। तो मैंने कहा कि जब भी आपके पास कोई सपोर्ट मूव करता है तो आपके पास ये वाला फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। तो चलो हम सवाल को स्टेप वाइज चलते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता था जी, किसी को याद है? हाँ, वो हम नोड निकालते थे सर। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालते हैं। सही है, सबसे पहले कि भी इसकी काइनेटिक इंडिटरमिनेसी, उसके लिए भी नोड्स की चाहिए हो, तो इसके पास हमारे पास टोटल इसमें चार नोड्स है, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारे पास टोटल फोर नोड्स हैं। तो पहले नोड में आपके पास अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है जी, है कोई अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम? भूल अच्छा, गई है सर डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान आवाज आ रही है आपको? जी हाँ सर, बताएं, ए पॉइंट पे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम अननोन है? सर नहीं ये हाँ वेरी गुड, रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। क्योंकि ये फिक्स है, तो यहाँ पे ना डिफ्लेक्शन आती है ना यहाँ पे थीटा आता है, तो आपके पास ये यहाँ पे कोई अननोन है। दूसरा, आपके पास पी है, रोलर है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वो क्या होता है, थीटा बी आता है। इसी तरह आपके पास सी, ये भी रोलर, तो यहाँ पे आपके पास थीटा सी आएगा। यदि आपके पास फिक्स है तो यहाँ पे भी जीरो आएगा आपके पास। तो आपके पास 2 डिग्री जो है ना काइनेटिक एनर्जी में सी है, 2 डिग्री अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो आपके पास क्या, थीटा बी एंड थीटा सी। अच्छा, इसके बाद स्टेप होता है कि भी हम इसमें मूवमेंट डिफाइन करवाते हैं कि भी कहाँ कहाँ पे मूवमेंट आएगा। तो बताइए कहाँ कहाँ पे मूवमेंट आएगा जी। हाँ काशिफ खान जी, काशिफ। जी सर, जी हाँ बताओ कि मूवमेंट कौन से पॉइंट्स होंगे जहाँ पे मूवमेंट नहीं आएगा। सर मैं तो अभी आ गया सर, पता भी नहीं है कि कौन सा एग्जांपल है सर। ये एक ही एग्जाम्पल है सामने जो आपके। सर मोमेंट वो दो कंडीशन पढ़ाई थी जहां पे मोमेंट जीरो आता है, वो कौन से हैं? पता नहीं सर। अच्छा,
आ रही सती जी, जब रोलर या पिन एंड पे हो और तब मोमेंट कोई नहीं होता या फिर इंटरनल हिंज हो। तो हमारे इसमें कोई ये वाली कंडीशन कंप्लीट हो रही है? नो सर, इधर तो नहीं हो रही सर। इसका मतलब है कि हर जगह पे मूवमेंट आएगा, तो यहाँ पे भी आपके पास मूवमेंट आएगा। इसको हम नाम देते हैं एम ए बी, इसको हम नाम देते हैं एम बी ए, इसको नाम देते हैं एम बी बी सी, इसको नाम देते हैं एम सी बी, इसको नाम देते हैं एम सी डी, इसको नाम देते हैं एम डी सी। तो आपके पास टोटल छः मूवमेंट्स आएंगे, सही ना? अगर ये छः मूवमेंट्स हमें पता लग जाएगा तो ये आपके पास एक रिटर्नल स्ट्रक्चर बन जाएगा। मगर हमें सिर्फ ये मूवमेंट्स चाहिए, सही ना? उन्होंने कहा आप सिर्फ इंटरनल मूवमेंट्स निकाले, बाकी कुछ ना करा। तो ये आपके पास मूवमेंट डिफाइन होगी। तो हम ये तो यह हो गया आपके पास कि इसमें टोटल सिक्स मूवमेंट्स है, हर जगह पर मूवमेंट आएगा। और क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा रोलर सब या पिन नहीं है जो एंड पे आ रहा हो, या फिर यहाँ पे इसमें कोई भी ऐसा इंटरनल ही नहीं आ रहा जिस पे मूवमेंट जीरो होता है। अच्छा, आप बताएं कि इन मूवमेंट्स के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर वन या इक्वेशन नंबर टू? जी मोहम्मद दानिश चौधरी, सर जी वन इक्वेशन का मुझे भेज देंगे जी, क्या वजह है सर जी? क्योंकि दोनों स्पेन के एंड पे जो मूवमेंट है, तीन हफ्ते हो गए। वेरी गुड, आपके पास जो मूवमेंट नंबर, बस ठीक है यार, जब दिल करे ना सबमिट करवाने का उस टाइम ले आना, उसके 2 महीने बाद आपका रिजल्ट भेजूंगा, 4 महीने बाद आपको ट्रांसफर करूंगा। आपके पास मूवमेंट जो है ना, आपके पास के लिए दो इक्वेशन थे, इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन आप कल आओ, आ जाने का तो कोई फायदा नहीं, तब तब यूज करते हैं जब आपके पास दोनों साइड पे मूवमेंट आ रहा हो, सही ना? किसी भी स्पैन के, और जब भी आपके पास स्पैन के एक साइड पे मूवमेंट आ रहा हो तो आप इक्वेशन नंबर टू यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास हम स्पैन ए बी की बात करते हैं तो इसके दोनों साइड पे मूवमेंट आ रहा है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर वन यूज करेंगे। स्पैन बी सी के, बी सी के लिए भी दोनों साइड पे मूवमेंट आ रहा है तो इक्वेशन नंबर वन, इसके भी दोनों साइड पे मूवमेंट आ रहा है तो इसके लिए इक्वेशन नंबर वन। तमाम मूवमेंट्स के लिए हम इक्वेशन नंबर वन यूज करेंगे, जो कि ये है। सर हम एक एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग मूवमेंट इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, मतलब ए और बी के लिए अलग इक्वेशन और बी और सी के लिए अलग। कल आगे दे दो मेहरबानी, जब मूवमेंट दोनों साइड पे नहीं आ रहा हो। नहीं, जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं समझता हूँ यहाँ पे पिन लगा होता, सही है ना? समझो यहाँ पे पिन लगा हुआ है, तो ये मूवमेंट इक्वेशन नंबर वन से यूज होगा, ये इक्वेशन नंबर वन से यूज होगा, ये वन से यूज होगा, ये भी वन से होगा। ये वाला जो मूवमेंट होगा ना इक्वेशन नंबर टू से यूज होगा, क्योंकि इस पैन में ना एक साइड पे मूवमेंट है, जो वो एक मूवमेंट है ना वो आपकी इक्वेशन नंबर टू से यूज करना है, सही है ना? जी सर, जो मैंने कहा कि जिस पैन में एक साइड पे मूवमेंट आ रहा हो तो वो वाला एक मूवमेंट है ना वो हम इक्वेशन नंबर टू से यूज करेंगे, इधर तो मूवमेंट जीरो होगा। ठीक है सर, सही है ना? ठीक है सर। तो ये आपके पास हमें ये पता लगे कि टोटल छह मूवमेंट्स आ रहे हैं और छः के छः आपके पास इक्वेशन नंबर वन से यूज होगा। अब इक्वेशन नंबर वन में आपके पास कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है। सबसे पहले हम पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हम फिक्स एंड मूवमेंट सिर्फ कैलकुलेट करते थे, मगर ऐसे क्वेश्चन में हम जो है ना वो साई भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें आपके पास जो रोलर है ये डाउन डाउनवर्ड पुश हुआ है, सही ना? तो अगर आपके पास ये डाउनवर्ड पुश ना हो तो इसी तरह पोजिशन में तो इसकी वैल्यू भी जीरो होती, सिर्फ आपको फिक्स एंड मूवमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत थी। तब हम सबसे पहले ए बी के लिए फिक्स एंड मूवमेंट निकालते हैं, तो आपके पास ए बी पे मूवमेंट आएगा और बी ए पे आएगा। तो हम टेबल में जाएंगे और वो देखेंगे जिसमें आपके पास सिर्फ ए दोनों साइड पे मूवमेंट आ रहा हो, क्योंकि आपके इक्वेशन नंबर वन यूज़ कर रहे हैं, दोनों साइड पे मूवमेंट जो आ रहा हो। तो आप बताएं कि ए बी के लिए कौन सा वाला लोडिंग कंडीशन जो है ना वो मैच करता है? सर थर्ड वाला करता है, तो नहीं थर्ड नहीं, वो पांचवें नंबर वाला। हाँ, यूनिफॉर्म लोडिंग वाला कर रहा है ना। तो आपके पास ये वाला हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा स्क्वायर बाय 12 और यहाँ पे है आपके पास क्लॉकवाइज ओमेगा स्क्वायर बाय 12। तो एंटी क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव लिया और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 12
दूसरा आपके पास बी ए जो है ना वो क्लॉक वाइज होगा इसलिए पॉजिटिव होगा मेगा स्क्वायर बाई 12 चलो पहले फाई कर लिए एक ही बात है ना बाद में तो फॉर्मूले में यूज करना डालना है ना आखिर में सेम तो उसे तो कोई इशू नहीं होता कि आप पहले ये कैलकुलेट करो या ये करो। अच्छा अब हम क्या कहते हैं बाकी मेंबर्स के लिए एफईएम निकालते हैं तो बाकी अगर हम बी सी की बात करते तो इसमें कोई भी लोडिंग नहीं आ रही इसी तरह सी डी में भी कोई लोडिंग नहीं आ रही तो इसलिए इनके लिए आपके पास फिक्स एंड मूवमेंट की वैल्यू जो है ना वो जीरो की होगी सही है ना। अगर आपके पास हम इसमें देखें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है सर ये सी पॉइंट पे ऊपर से लोड नहीं आ रहा सर ये तो वो सपोर्ट का रिएक्शन है ना एक किस्म का जिसके वजह से डाउनवर्ड मूव हो रहा है ना वो तो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है सही ना ये एज अ लोड नहीं कर रहा सही है ना ये तो वो रिएक्शन है जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड मूव हुआ है तो हम इसको जो ना क्या कहते हैं एज अ इसकी वजह से आपके पास फिक्स एंड मूवमेंट जब आपके स्पैन के बीच में कभी भी लोड आ रहा हो ना तो उसकी वजह से आपके पास फिक्स एंड मूवमेंट आ रहा है तो आपके पास बी सी और सी डी के लिए जो ना फिक्स एंड मूवमेंट की वैल्यू जीरो होगी। और एक और बात ये कि ये मूवमेंट हमने जो एम ए बी ए और एम बी ए है ये दोनों तो हमने क्लॉक वाइज लिए हैं जी शुरू में ना हम सारे जो है ना पॉजिटिव अज्यूम कर क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है कौन सा क्लॉकवाइज है तो शुरू में हम सारे पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं आखिर में जो आंसर नेगेटिव आएगा तो फिर हम कहेंगे कि यार ये असल में ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है सही है मगर फिक्स एंड मूवमेंट की क्योंकि डायरेक्शन हमें पता है सही है ना इसकी डायरेक्शन हमें टेबल से पता लगे तो इसलिए हम उसके मुताबिक यूज करते हैं मगर ओवरऑल जो मूवमेंट आ रहा है ना उसका फिक्स एंड मूवमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि फिक्स एंड मूवमेंट जो है ना वो स्पैन को अलग करके सिर्फ चेक करता है मगर जरूरी नहीं है कि एक एक स्पैन में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि बी में डाउन अपवर्ड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पैन ए बी की बात करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे रिएक्शन इस तरफ आएगा यहाँ पे भी इस तरफ आएगा अगर ये क्योंकि कंटीन्यूअस बीम है ना तो हो सकता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो डाउनवर्ड आ जाए और ये अपवर्ड आ जाए सही है ना तो कंटीन्यूअस बीम में ये आपके पास पता नहीं होता कि कौन सा अपवर्ड है कौन सा डाउनवर्ड है तो इसलिए आपने क्या कहते हैं इसमें अभी हमें पता नहीं है तो इसलिए हम सारे क्लॉकवाइज को अज्यूम करके पॉजिटिव लिखते हैं। तो यहाँ आगे समझ से यहाँ तक कि हमने फिक्स एंड मूवमेंट कैलकुलेट किया यहाँ पर सही है। अब हम साई कैलकुलेट करते हैं और पल में एक साई किस तरह कैलकुलेट करना हमारी हमारा बीम स्ट्रांग कुछ था फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ओरिजिनल इस तरह बीम था अब आपके पास हम कहते हैं कि ये जो सपोर्ट सी है ये डाउनवर्ड सेटल हुआ है बाय 0.1 फीट तो उसके बाद जो एंगल बनते हैं ना आपके पास उसको हम साई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल जो होगा ना ये आपके पास होगा साई बी सी
इसी तरह ये वाला जाएंगा लोगन, ये होगा आपके पास आई सी बी। ये सही डिस्टेंस नहीं है सर, ये एंगल है। एंगल है वो, देखो ना एंगलों से माइनस हो रहा है ना। सीन मगर ये वो वाला एंगल नहीं है जो थीटा वाला एंगल है सीन, उसमें तो आपके पास फिक्स पे कोई एंगल नहीं आता, मगर इसमें आपके पास फिक्स पे एंगल आता है, क्योंकि ना वो एक डिफरेंट चीज होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लोडिंग आ रही है ना, तो लोडिंग की वजह से जो इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है ना, तो आपके पास ये जो है ना, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये आपके पास लोडिंग की वजह से जो रिफ्लेक्शन वगैरह आ रही है वो चीज है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन शो हुई है ना। और ये जो आपके पास हुई ये सेटलमेंट हुई है, आपके पास डिफरेंट चीज है, सही है ना। तो जो आपके पास सेटलमेंट है इसमें आपके पास फिक्स पे भी एंगल आ जाता है, क्योंकि आपके पास ये बैठ गई है एक चीज, और ये जो लोडिंग की जो डिफ्लेक्शन आती है रोटेशन, उसमें आपके पास फिक्स में इसकी रोटेशन क्या होती है, वो जीरो होती है। तो आपके पास जो आपके पास किसी सेटलमेंट की वजह से आपके पास जो एंगल बनते हैं दोनों भी दोनों स्पैंस के, उसको हम साय कहते हैं, सही है ना। अगर कोई फॉर एग्जांपल सी सपोर्ट सेटल हुआ ना, तो इसके दोनों साइड पे दोनों स्पैंस में जो ना आपके पास एंगल आएंगे, यानी टोटल चार एंगल आएंगे, सही ना। तो अगर आपके पास ये एंड होता तो सिर्फ आपके पास दो आते, मगर क्योंकि अब इसके दोनों साइड पे स्पैन है, तो इसके इसलिए इसके वजह से आपके पास चार एंगल आएंगे। तो अब आपके पास ये जो है आपके पास कल मैं बड़ी अच्छी बात पर बता आपकी कह रहे थे कि अगर आदमी खुद जो है ना ठीक हो जाए ना, इसके लिए खुशियाँ तरतीब आ जाए, जिम्मेदारियों का लगाना आ जाए, तो उसका पार्टनर खुद का कुछ ठीक हो जाता है। अब आपको ये समझ आई कि ये एंगल आपके पास कौन सा होता है, सही है ना। जब कभी आपके पास कोई सेटलमेंट होती है ना, तो उसके वजह से जो एंगल आता है ना, उसको आपके पास साई कहते हैं। अब उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है, जो ओरिजिनल से आपने डिफ्लेक्टेड की तरफ एंगल बनाते हैं, सही है ना। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ओरिजिनल ओरिजेंटल थी ना, तो आपके पास डिफ्लेक्टेड जो है ना, ये आपके पास डाउनवर्ड हुई है, तो ये आपके पास क्या ये क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव, सही है ना। तो आपके पास अगर ये ऊपर की तरफ होता तो फिर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होता, अब ये डाउनवर्ड है, सही ना। डाउनवर्ड वाले को देखते हैं, अब डाउनवर्ड वाले अगर हम देखें तो आपके पास मैंने यहाँ से एंगल बनाया, सही है ना। उसकी वजह क्या कि आपके पास ओरिजिनली तो ये हॉरिजॉन्टल था ना, एंगल का तो डायरेक्शन के साथ ताल्लुक है ना, पोजीशन के साथ ताल्लुक नहीं है, सही है ना। फॉर एग्जांपल एक बीम यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक बीम यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अगर एक ही लाइन है तो दोनों का एंगल सेम होगा ना जी, सेम हो गया नहीं। हेलो, अब आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, तो आपके पास एक्सक्यूज मी सर, जी जी ये स्थाई के डायरेक्शन के बारे में फिर बताइए सर। वही बता रहा हूँ कि आपके पास इसकी डायरेक्शन जो है ना वो ओरिजिनल से स्टार्ट होती है और डिफ्लेक्टेड की तरफ खत्म होती है, मतलब ओरिजिनल ये आपके पास यहाँ पे था तो ये आपके पास डिफ्लेक्टेड है, तो ये आपके पास क्लॉकवाइज है। अब हम मैं नीचे वालों को बता रहा था कि नीचे वालों को आपने किस तरह लेना है, अब बीम तो ऊपर है ओरिजिनल अब डाउनवर्ड, तो उसको हम यहाँ पे बना देते हैं ओरिजिनल को यहीं पे, सही ना, क्योंकि ओरिजिनल भी ओरिजेंटल था, यहाँ पे हम ओरिजेंटल लाइन खींच लेते हैं। अब आपने ओरिजेंटल के साथ जो ना वो डिफ्लेक्टेड की तरफ एंगल बनाना, तो फिर हम देखते हैं कि ये क्लॉकवाइज है या कि एंटी क्लॉकवाइज है, सही है ना आपके पास, क्योंकि आपके पास जो एंगल का ताल्लुक है वो पोजीशन के साथ नहीं होता, वो मतलब आपके पास डायरेक्शन के साथ होता है। तो आपके पास इसकी डायरेक्शन ओरिजेंटल थी, इसकी भी ओरिजेंटल है, तो हम यहाँ से भी एंगल बना सकते हैं। इस बात की आगे समझ
जी सर। अब मुझे बताएं कि ये ट्राइंगल एक बन गया, अब बताएं इस साई की क्या वैल्यू होगी। को यूज करेंगे किस तरह हासिल करेंगे? अगर हम यहाँ पे अगर हम टेन टेन साइन लें तो आपके पास क्या होगा? वो जी बताएं सर, 0.1/20 हाँ, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 20 आपके पास लेंथ है, 0.12 सेटलमेंट हुई आपके। अब ये तो ये आपके पास ही है, मगर जब आपके पास एंगल बहुत छोटा होता है ना, तो आपके पास जो टैन साई होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किस के होता है, साई की तरह। पहली बच जब आपके पास एंगल बहुत छोटा होता है, क्योंकि ये सेटलमेंट हुई 0.1 आपके पास यहाँ पे सेटलमेंट हुआ, तो यह बहुत ही मामूली से एंगल बनती है, आपको नेक्यूड आई से शायद नजर भी ना आए, 0.1 फीट है सिर्फ, तो आपके पास ये बहुत मामूली से एंगल होते हैं, तो इसलिए आपके पास इसका टैन लो या इसी तरह लिखो तो एक ही बात है, ठीक है, तो इसलिए हम यूजली इसी को डायरेक्ट जो है ना वो साई बी सी की को लिख देते हैं। तो अगर सॉल्व कर भी लें तो आंसर, मगर ये फिर वो वैसे कॉम्प्लेक्स हो जाते, तो इसलिए जो ना यूजुअली जब छोटा एंगल होता है ना तो हम उसको डायरेक्ट लिखते हैं, उसका हम टैन नहीं लेते, सही है। तो आपके पास ये जो है ना क्या कहते हैं, मतलब 0.000 मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो एंगल है आपके पास, सही है ना। तो अगर आप इसका टैन भी लोगे ना तो ये और छोटा हो जाता है, ठीक है ना, फिर इसकी वैल्यू जो है ना वो क्या कहते हैं बहुत माइन्यूट हो जाती है, तो क्योंकि अगर हम इसको टैन नहीं लेते एंगल ही ले लेते हैं तो आपके पास सेफ्टी की तरफ ज्यादा रहता है, सही है ना। तो इसलिए हम इस यूजली जो है ना क्या कहते हैं जब बीम्स की बात करते हैं तो आपके पास क्योंकि सेटलमेंट वगैरह 0.1 फीट बहुत ही मामूली सा है तो हम वही ले लेते हैं, अगर इसका हम टैन भी ले लेंगे तो ये बहुत और स्मॉल हो जाएगा, तो इसलिए हम उसी को एंगल को ही टैन की इक्वल लिख लेते हैं, ये ताकि ये सेफ्टी की तरफ ही रहे, क्योंकि इसकी जितनी बड़ी वैल्यू हम लेंगे तो उतनी हम सेफ उतनी आपके पास सेफ रहेगा, सही है। तो अब आपके पास जी सर ये 5 और सी भी तो एक बराबर है। हाँ अब हम अब ये देखिए, अब अगर हम ये तो आपके पास बी सी के लिए आ गया, अगर हम सी बी की बात करते तो इसके लिए आपके पास ये वाला ट्रायंगल बन जाता है, सही है ना। तो इसके जो वर्टिकल और वर्टिकल सेम है और हॉरिजॉन्टल तो सेम है, तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू वही होगी। इसी तरह अगर अच्छा साई सी डी की क्या वैल्यू होगी सर? 0.1 डिवाइड बाय 15। अब आपने 15 लेना है ना, पहले हमने 20 लिया था ना, तो हमने अब 15 लेना है, तो जिस स्पैन में एंगल आ रहा होता है अपने उसी स्पैन की लेंथ लेनी होती है, सही है ना। अब हम लेक्चरर हैं, लेक्चरर वाली परफॉर्मेंस दिया करें, वो दे रहे हैं सर। तो ये भी उसी बराबर ले लेंगे या हम बराबर तो नहीं लेंगे ना, यहाँ पे अगर हम साई बी सी निकाल लेंगे तो करेंगे 0.1 डिवाइड बाय 20, साई सी डी भी 0.1 डिवाइड बाय 20, साई नहीं नहीं सर जी मतलब कि tan phi इक्वल टू phi हो गया। बस ये याद है कि इसमें मतलब tan ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए, बल्कि लोग यूजुअली बताते भी नहीं है, डायरेक्ट लिख लेते हैं कि एंगल इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाय 20। तो जितने भी सवाल होंगे इसमें आपने tan वगैरह का चक्कर नहीं डालना है, तो आपने क्या कहते हैं साई सी डी इक्वल टू आप 0.1 डिवाइड बाई 15 और साई डी सी जो होगा ना आपके पास 0.1 डिवाइड बाई 15 वही होगा, दोनों सेम होंगे। अब बताओ मुझे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब आएंगे, बताओ कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव, साई बी सी पॉजिटिव और नेगेटिव क्लॉकवाइज होगा, वो पॉजिटिव होगा जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो एंड नेगेटिव, तो साई बी सी आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, साई सी डी और डी सी
तो ये दोनों नेगेटिव होगा और ये दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। यहाँ तक आगे सबको समझ साई की बात? जी सर। अब हम क्या कहते हैं, फाइव एफ एम भी निकाल दिया, साई भी निकाल दिया, तो अभी हम बाकी क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमने जो है साई बी सी निकाल दिया और सी भी जो है सेम है, इसी तरह साई सी डी और टी सी आपके पास सेम है। तो हमने सिंपल अब जो है ना इन छह जो मूवमेंट्स है वो कैलकुलेट करनी है इक्वेशन से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, के जो होता है ना आपके पास ई आई और एल होता है सेम आपके पास, तो आपके पास ई आई की वैल्यू है 1500, सॉरी के जो होता है ना आई बाई एल होता है आपके पास, तो आपके पास ये होता है 1500 इंच फोर है। तो क्योंकि हमने बाकी चीजें जो ना फीट में लेनी, तो इसको हमने फीट फोर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड बाय 12 की पावर 4, इंच 4 है ना, तो 12 पावर 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसलिए हमने हर वैल्यू को इंच बाय 4 से, आई ओवर एल को इंच 12 की पावर 4 से डिवाइड कर दिया। अच्छा अब ये कभी हम ई आई की वैल्यू ले लेते हैं, कभी नहीं ले लेते, ये इसकी समझ आई आपको, क्यों ले कब लेते हैं कब नहीं लेते? ये कभी कभी ई आई को कैलकुलेट करते हैं, कभी कट जाता है अगर वो इक्वेशन में कट रहा हो तो आप उसको काट लिया करो, अगर नहीं कट रहा होता है तो आप उसको रहने दिया करें। यूजुअली आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर सेटलमेंट वगैरह मतलब ये साई की वैल्यू आए तो आपके पास ई आई की वैल्यू यूज होती है, सही है ना, मतलब साई की वैल्यू अगर आप इसमें यूज कर रहे हो तो ई आई की वैल्यू भी यूज होगी, कटेगी नहीं कभी भी, सही है ना। मगर अगर ई आई की वैल्यू आपके पास नहीं यूज हो रही, सॉरी साई की वैल्यू यूज नहीं हो रही, जीरो है सेटलमेंट का क्वेश्चन ये, तो ई आई कट जाता है, सही है ना। मगर आप उसको रखा करें साथ हमेशा, जब कट जाएगा तो उसको आप कैंसिल कर दिया, जिस बाद में आपके पास ई आई की वैल्यू यूज हो, सही है सर। और ये के की वैल्यू क्या है, i डिवाइड बाय लेंथ। हां i डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है सर। तो आपके पास ये इक्वेशन है, सही है। तो हम सबसे पहले MEB निकालते हैं, तो MEB के लिए बताएं थीटा n क्या होगा, जी MEB के लिए थीटा n क्या होगा? थीटा MAB के लिए थीटा जीरो होगा सर। हाँ, क्योंकि आपके पास ए बी के लिए ए नियर एंड होगा और बी फार एंड होगा, ए पे आपके पास फिक्स है तो वो जीरो होगा, और फार क्या होगा, थीटा एफ सर वो थीटा बी है, थीटा बी आएगा। और साई की क्या वैल्यू होगी, साई की सर जी कोई निकाली नहीं हमने, निकाली है सर वो ए बी के लिए जीरो होगी। अभी देखिए यहाँ पे ए बी के लिए भी जीरो है और बी ए के लिए भी जीरो है, ये ना यहाँ इसके बाद जीरो हो गया सर बी पे, हाँ वो दूसरी तरफ है, इस पैन में ना इसकी जीरो वैल्यू होगी, इन दोनों स्पैनों में आएगी इसकी वैल्यू, सही है ना। तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना कि ये ना कि आप एक जगह पे साया रहो तो हर जगह पे आप साइड ठोक दे, जहाँ पे आ रहे हो सिर्फ वहाँ पे आपको यूज करना, ठीक है। तो हमारे पास ए बी भी एफ ई एम हमने निकाल चुके हैं, सही है ना, ए बी के लिए। आपके पास ए बी के लिए टू ई आई और एल की वैल्यू आई है, ये जो है ना ये टू ई आई और एल है, ये आप हर जगह एक जगह यूज करेंगे तो आप हमेशा। तो आपके पास पी टू थीटा ए जीरो होगा प्लस थीटा बी माइनस थ्री साई, साई की वैल्यू आपके पास जीरो है, माइनस सेवन टू फिक्स एंड मूवमेंट आपके पास, इसके लिए आपके पास इक्वेशन नंबर वन आ गई एम ए बी के लिए। इसी तरह एम बी ए के लिए आपके पास थीटा एन क्या हो जाएगा, जी सर थीटा एन हो जाएगा, थीटा बी थीटा बी हो जाएगा, और आपके पास थीटा एफ क्या हो जाएगा, थीटा ए जो जीरो है। तो आपके पास बाकी तो सेम चीज है, यहाँ पे टू थीटा ए बी हो जाएगा प्लस जीरो हो जाएगा माइनस थ्री जीरो प्लस फिक्स एंड मोमेंट, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर टू आ गया। ये स्पैन ए बी हो गया, हम बी सी अब लेते हैं, तो बी सी में आप पहले एम बी सी सबके लिए इक्वेशन नंबर वन यूज करना, तो ये आपके पास टू ई आई ओवर एल, सही है, फिर उसके बाद प्लस
क्योंकि अब आपके पास ये नियर एंड और ये फार एंड है, प्लस टू एफ टू थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस थ्री साई, तो साई की वैल्यू हमने यहाँ से जो निकाली थी ये आपके पास साई है, तो आपके पास प्लस फिक्स एंड मोमेंट क्या होगा जीरो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई भी लोडिंग नहीं है, तो ये आपके ना इस तरह बी सी के लिए निकाल दिया उसके लिए इक्वेशन आ गया आपके पास, फिर सी बी के लिए क्वायर निकाल दिया उसके लिए इक्वेशन आ गई, इसी तरह हम सी डी के लिए भी वैल्यू डालेंगे उसके लिए भी इक्वेशन निकालेंगे, मगर इसमें आपके पास जो साई की वैल्यू वो नेगेटिव डालेंगे क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज, इसी तरह डी सी के लिए भी आप कोई वैल्यू यूज़ करेंगे मगर उसके साई की आप क्या यूज़ करेंगे नेगेटिव एंटी क्लॉक वाइज, तो ये आगे सबको समझ किस तरह इक्वेशन आ गई जी सर। आप बताएं कि इन इक्वेशन में कितने टोटल अननोन्स हैं सर? अननोन एक दो तीन है सर, चार नहीं सर, सर वो एक दो कम होंगे जिसके लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी सर, एक दो जितनी इक्वेशन है उनसे कम होंगे चार केस हैं। ओके सॉरी क्या कह रहे थे ये सर जी, एक दो कम होंगे उसके लिए एक्स्ट्रा इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अच्छा अभी देखिए ना आपके पास टोटल है MAB MBA MBC MCB MCD और MDC, ये टोटल आपके पास छह इक्वेशंस है, छह अननोन, इसके अलावा आपके पास थीटा बी और थीटा सी भी अननोन है, ऐसी बात है ना। हेलो तो अब जी सर, तो आपके पास इसके लिए हमें क्या निकालना, क्या चाहिए होगा हमें सर? इक्वेशन फालतू चाहिए होगी कोई? दो इक्वेशन ही चाहिए होंगे ना जी सर। तो आप बताएं कि वो कहां से आएंगे सर? वो एंड्स पे इक्वेशन लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? एंड्स पे सर, दी एंड पे, यानी दोनों एंड्स पे नहीं सॉरी सर, एक बी और सी पॉइंट पे शायद। वेरी गुड, हमने जो ना क्या कहते हैं पढ़ चुके हैं भी कि आपके पास जो जॉइंट इंटरनल रोलर्स होते हैं ना बी और सी, इस पे आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट्स आ रही है, यानी यहाँ पे मूवमेंट की जो सबमिशन होती है ना वो जीरो की इक्वल होती है ना, तो हम जॉइंट बी और जॉइंट सी ले लेते हैं। तो हम जॉइंट बी पहले ले लेते हैं, तो आपके पास जॉइंट बी में हमारे पास इस तरफ आ रहा है एम बी ए, इस तरफ आ रहा है आपके पास एम बी सी, सही है ना। अब हमें हम दोनों को ना यहाँ पे तो इन दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, सही ना, ये भी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ये भी क्लॉकवाइज ले, हमें नहीं पता कि भी कौन सा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया हुआ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज सही दोनों, तो आपके पास हमें नहीं पता कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, हमें ये पता है कि बी पे आपके पास जो ना दोनों मूवमेंट्स की जो सबमिशन है वो किसके इक्वल है, वो जीरो की इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू जीरो आपके पास, लेकिन इसी तरह आपके पास सी पे ये सिर्फ आ रहा है मूवमेंट एम सी बी और यहाँ पे आ रहा है एम सी डी, तो इस पे हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों पे मूवमेंट का जो सबमिशन है वो क्या है, वो जीरो की इक्वल है, तो ये आपके पास जीरो हो जाए, सही है ना। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दी बोथ वन, तो आपके पास आपके पास इस सिंपल हमने जो है ना क्या कहते हैं एम बी ए और एम बी सी की जो ना इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, ए बी ए और बी सी की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, इसी तरह हम सी वाले में सी डी और सी बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी जिसमें आपके पास दो अननोन्स है। यहाँ तक आगे समझ सही है ना? आप बताएं इन दोनों को किस तरह सॉल्व करेंगे? वो कैलकुलेटर में डाल के, एक तो एक कैलकुलेटर से सिंपल निकाल दें, सही है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल इनको ऐड कर दे तो आप थीटा बी आ जाएगी क्योंकि ये दोनों काट देंगे, सही है ना, तो यहाँ पे आप थीटा बी भी निकाल सकते हो, तो आपकी मर्जी जिस तरह करें, तो कैलकुलेटर से जल्दी से निकाल के आपने थीटा बी थीटा सी निकाल देना, फिर आपने इसको एक्स एक्स में कैलकुलेटर में सेव कर दिया, तरीका सिखाया था ना जी सर जी। फिर इसको भी आपने वाई में स्टोर कर देना, सही है ना,
क्योंकि आप वैल्यू बड़ी सी है, बार बार आपको लिखना पड़ेगा 0.00438। इससे अच्छा है कि आप एक ही दफ़ा एक्स और वाई में स्टोर कर दो और फिर आपने क्या कहते हैं ये जो इक्वेशन है सही, इनमें आपने वैल्यूज पुट कर दी तो आपके पास मूवमेंट्स आ जाएंगे। सही है प्रियन, क्योंकि उन्होंने कहा सिर्फ इंटरनल मूवमेंट्स निकाल, तो हमने सिर्फ इंटरनल मूवमेंट्स तक करना है, तो इससे आपके पास ये सारे इंटरनल मूवमेंट्स आ गए। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि MBA और BC इन दोनों की इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन वैल्यू है, यानी सबमिशन जीरो है, इसका मतलब है कि जो हमने CB की जो अजम्पशन किया ये गलत की हुई है। फिर इसी तरह इनका भी जो सबमिशन है वो भी जीरो की इक्वल है, इसका मतलब है कि इसकी जो अजम्पशन है वो हमने गलत की हुई है। सही है, तो इससे आगे आप रिएक्शंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये डिटरमिनेंट बन गया, मगर क्योंकि मैंने कहा सिर्फ यहाँ तक करो तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ तक करना है। तो आपने तो अगर आपने वो अगर क्वेश्चन में आ जाता था कि आप बताएं कि ये पी की वैल्यू क्या है, ये जो पी है ना इसकी वैल्यू क्या है, तो पी रिएक्शन है सिंपल, तो आपने इधर से भी इसका फॉर एग्जाम्पल यहाँ से भी आपने राइट साइड वाला भी लेफ्ट साइड वाला भी शेयर फोर्स निकाल देना है और राइट साइड वाला भी शेयर फोर्स निकाल देना है, इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी। आगे समझ नहीं है ना, ये पी जो है आपके पास रिएक्शन है जी सर, सही है ना, तो रिएक्शन निकालना तो आता ना पहले निकालना हुआ जी सर, सही है ना। तो अभी फिलहाल तो इस सवाल में सिर्फ उन्होंने कहा कि मूवमेंट्स निकालो तो आपने यहाँ तक करना, अगर कहा कि भी रिएक्शन निकालो तो आपने क्या करना कि इन सबको अलग अलग करके सॉल्व करना है, बी पे मूवमेंट लेके ये निकाल देना। अगर उन्होंने कहा सिर्फ पी की वैल्यू निकालो तो आपने सिर्फ सी पे रिएक्शन निकालना है, सी वाई,